हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। किड्स, आज इस वीडियो में हम वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास तो बहुत सारे एनिमल्स देखे ही होंगे, जैसे काउ, बफेलो, गोट, हॉर्स एट्सेट्रा। इनमें से कुछ जानवरों के बारे में हम आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Domestic animals. Animals which are friendly with humans and also lives with them are called domestic animals. ऐसे जानवर जो humans के साथ friendly होते हैं और उनके रहने, खाने, पीने के सारे arrangements humans ही करते हैं। इन जानवरों से किसी न किसी रूप में humans को फ़ायदा होता है। For example, cow, buffalo, goat, camel, etc. तो चलिए जानते हैं कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। दिस इज़ काव। काव गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। काउज मिल्क इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस। गाय का दूध हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बफेलो, भैंस। बफेलो ऑल्सो गिव्स अस मिल्क। भैंस से भी हमें दूध मिलता है। शीप, भेड़। शीप से हमें वूल मिलती है, वूल जिसका यूज़ हम विंटर सीजन में करते हैं। विंटर सीजन में जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं वो शीप के ही वूल से बनती है। दिस इज़ कैमल, ऊंट। कैमल को हम शीप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट सवारी और बोझा ढोने के काम आता है। दिस इज़ गोट, बकरी। गोट से हमें दूध और मांस मिलता है। हॉर्स, घोड़ा। वी राइड ऑन इट, हम घोड़े की सवारी करते हैं। घोड़ा बोझे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते हैं। किड्स, आप जानते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें फ़ायदा तो कुछ खास नहीं होता, बट हम उन्हें अपने एंटरटेनमेंट और कंपेनियन के रूप में अपने साथ रखते हैं, जैसे रैबिट, डॉग, कैट। इन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं। किड्स, तो आइए अब जानते हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट एंड हंट देयर ओन फूड आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं और अपने खाने का अरेंजमेंट खुद करते हैं, इन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। आपको मालूम है इनमें से बहुत सारे जानवर डेंजरस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लायन, टाइगर, लेपर्ड, बियर, डियर एट्सेट्रा। तो आइए जानते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। ये पिक्चर आपको दिख रही है, किसकी पिक्चर है ये? लायन, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इसको हम जंगल का राजा कहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चीता, चीता रन्स वेरी फास्ट। चीता बहुत तेज़ दौड़ता है और इसकी बॉडी पर ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, यानी काले धब्बे होते हैं। टाइगर, आपको मालूम है टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। इसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स यानी काली धारियां होती हैं। किड्स, दिस इज एलिफेंट। एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। हाथी ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है। ये हमेशा झुंड में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। बेयर, भालू। भालू को मछलियाँ और छोटे छोटे जानवर खाना बहुत पसंद है। जिराफ, जिराफ इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल। जिराफ सबसे लंबा जानवर होता है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। आपको पता है इसकी लंबी गर्दन होने से क्या फ़ायदा होता है? लंबी गर्दन की वजह से ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को भी इजीली खा सकता है। तो बच्चों, आज आपने वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में जाना। तो चलिए अब हम होमवर्क देखते हैं।
किड्स, ये रहा आपका होमवर्क। आपको डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स की स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है और इस काम को अपनी नोटबुक में लिखकर रखना है। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।